अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ दरक्षा इरफान। और मैं हूँ उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दिन ब दिन बढ़ती हुई स्मोक की। स्मोक का रोग बरकरार है शहर में, फिजाई आलूदगी के डेरे। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 383 पर जा पहुँचा। आलूदगी के एतबार से दुनिया में लाहौर का पहला नंबर। गार्डर टाउन के इलाके में सबसे ज़्यादा 518 AQI रिकॉर्ड। कैंट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 512 और गुलबर्ग में 442 रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। जी अली। जी, दिसंबर जो है, क्योंकि एक हफ्ता जो पहला वीक गुजरा है, कुछ दिन बेहतर थे, लेकिन आज जो सूरत हाल है फिर उसी तरह है। स्मोक 383 पे पहुंच चुकी है। औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी के अतबार से लाहौर पहले नंबर पे। गार्डन टाउन में 518, कैंट के इलाके में 512, गुलबर्ग में 442 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। मैं इस वक्त लाहौर के रेलवे स्टेशन के साथ जो नया ब्रिज बना है उसके ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल ये कि चारों तरफ आबादी है। मेरे अगर मेरा अदनान कैमरा मैन आपको दिखाए तो मेरे लेफ्ट साइड पर पूरा एक अंदरून शहर है, जो लाहौर मोची दरवाज़ा, अकबरी गेट, लोहारी गेट, ये वो तमाम इलाके हैं। इसी तरह मस्ती गेट के, ये वो तमाम इलाके हैं जो शुमाली लाहौर के अंदर है, जिसे वॉल सिटी कहते हैं, और ये तमाम स्मोक की लपेट के अंदर है। यहाँ पे सांस लेना बहुत मुश्किल है। मेरे बिल्कुल अगर राइट पे अदनान आए तो राइट साइड पर रेलवे स्टेशन, शुमाली लाहौर का इलाका है। ये आप देख सकते हैं कि स्मोक हवा के अंदर निचली साइड पर मौजूद है। आसमान पर जो सितारे वो भी नज़र ही आ रहे हैं जैसे सूरज ग़ुरूब हुआ है। और उस सूरत हाल के अंदर लाहौर के अंदर जो वेदर है वो इस कदर है कि दिसंबर के अंदर भी मैंने अभी कोई लिहाफ गर्म नहीं लिया हुआ, और मैं मेन सड़क पे मौजूद हूँ, और यहाँ पे सर्दी जो सी है वो इस कदर नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। उसकी वजह है मेन स्मोग। दर्जा हरारा जो सा है महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कम अज़ कम कहा जा रहा है कि 8 पे जाएगा, लेकिन लग ऐसा नहीं रहा, तकरीबन 11 और 12 के दरमियान रहेगा। सुबह के उकात में जितने भी मैदानी इलाके, कुछ इलाकों में कहा जा रहा है धुंध पड़ेगी, जिसमें मोटरवे का कुछ हिस्सा मुतासर होने का इम्कान है। हवा में नमी का जो तनासब है वो मुनासिब ही फ़िलहाल चल रहा है, ज़्यादा 100% तक नहीं अभी पहुंचा क्योंकि बारिशें नहीं हो रही। वेदर जो है कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान बादल जो है वो लाहौर समेत गिरदोनवा में होंगे, जिससे कुछ बेहतरी हो सकती है अगर बारिश जो बारान रहमत हो जाती है, मौसम बेहतर हो जाएगा। लेकिन दिसंबर के अंदर इस तरह का मौसम है कि स्मोक की वजह से सर्दी की शिद्दत जो है लाहौरियों को ताहाल महसूस नहीं हो रही। उसकी वाजह मिसाल और सबूत यह है कि मैं ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ, काफ़ी ऊंचा ब्रिज है जो नया बना है, और यहाँ पे हवा में ठंडक है इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि स्मोक के जो डेरे हैं वो लाहौर में बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो सर्दी है वो भी अभी अपना असर नहीं दिखा रही। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मुमकिन तौर पर अगर लाहौर में बादल होते हैं उस सूरत के अंदर अगर बारिश होगी तो बरान रहमत की सूरत के अंदर लाहौर का मौसम भी ठंडा होगा। लेकिन अगर इब्तदाई तौर पे देखा जाए, दिसंबर का आगाज़ जैसे हुआ था कुछ दिन बेहतर रहे, स्मोक का एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो कम हुआ था, लेकिन आज फिर ज़्यादा बढ़ चुका है और अगले मज़ीद कई रोज़ तक कहा जा रहा है अगर बारिश ना होने की सूरत में इससे भी बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी आपका बहुत शुक्रिया अली। वासा के ट्यूबवेल्स और डिस्पोजल स्टेशंस को आउटसोर्स करने का मामला है। बुज़दार दौर में होने वाली आउटसोर्सिंग को तौसी दे दी गई है। वासा इंतजामिया अमलाक की मरम्मत का काम खुद करने के बजाय निजी कॉन्ट्रैक्टर से करवाएगी। ट्यूबवेल्स की आउटसोर्सिंग की मुद्दत मयार ख़त्म हो गई है, जबकि वासा इंतजामिया ने निजी कंपनी को 1 साल के लिए ट्यूबवेल्स की मरम्मत का काम ठेके पर दे दिया है। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिए। ये वासा के ट्यूबवेल्स और डिस्पोजल स्टेशंस को आउटसोर्स करने का मामला है कि बुज़दार दौर इकतदार में जो पॉलिसी बनाई गई थी आउटसोर्सिंग की, अभी मौजूदा वासा इंतजामिया ने उसी पॉलिसी को ही तोसी दे दी है। वासा इमलाक की मुरम्मत का काम खुद करने की बजाय निजी कॉन्ट्रैक्टर से करवाएगी। वासा ट्यूबवेल्स की मुरम्मत का काम बुज़दार इकतदार में भी निजी कंपनी प्रोग्रेसिव से करवा रही थी, ताहम अब जो आउटसोर्सिंग का ये कॉन्ट्रैक्ट है इसकी म्याद खत्म हो गई है, जिसके बाद वासा इंतजामिया ने निजी कंपनी को 1 साल के लिए दोबारा ये ट्यूबवेल्स की मुरम्मत का काम ठेके पर दे दिया है। निजी कंपनी प्रोग्रेसिव को ये ठेका अलॉट किया गया है और वासा के 602 ट्यूबवेल्स को 1 साल के लिए आउटसोर्स किया गया है। ताहम इस 1 साल में ट्यूबवेल्स की मरम्मत के इवज वासा इस निजी कंपनी को 18.90 करोड़ रुपए अदा करेगी। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मुल्तान डिवीजन से टिकट उम्मीदवारों के इजलास से खिताब कर रहे हैं। और मुल्क खुशहाल हो, आवाम यहाँ के खुशहाल हों, दुनिया बहुत आगे चली गई है, हम बहुत पीछे रह गए हैं,
इसका एहसास और इदराक हम सबको होना चाहिए और हमें इस बात का भी ज़रूर अफसोस करना चाहिए कि हम क्यों दुनिया के पस्तरीन ममालिक में इस वक्त शामिल हैं। हमारा मकाम तो बहुत आगे था 1947 में, जब ये मुल्क बना तो बड़ी उम्मीदों से बना था ये मुल्क कि ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा और एक मुनफरिद मकाम हासिल करेगा दुनिया के नक्शे में, लेकिन वो मुनफरिद मकाम तो हम हासिल नहीं कर पाए। लेकिन पीछे बहुत चले गए, उस वक्त हम 47 में बहुत आगे थे, दुनिया में बहुत आगे थे। और मैं इससे पहले भी एक मीटिंग में ये कह चुका हूँ कि मैं उस ज़माने में, मैं 1967 की बात कर रहा हूँ कि जब मुझे मेरे वालिद साहब ने गैर मुल्की दौरों पे भिजवाया और हमारी इंडस्ट्री जो है वो इंजन्स, डीजल इंजन्स एक्सपोर्ट करती थी मुख्तलिफ मिडल ईस्ट के ममालिक में, और मुझे सिर्फ उन इम्पोर्टर से मिलने के लिए भिजवाया जो हमारा जो इंजन्स इम्पोर्ट करते थे, तो उन्होंने बड़ी खातिर तवाजो की, तो मुझे मौका मिला कि मैं मुल्क अपने मुल्क को अपने मुल्क का मुकाबला करूं उन मुल्कों के साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे एयरपोर्ट उस ज़माने में बहुत अच्छे थे, हमारी सड़कें उनके मुकाबले में अच्छी थी, बहुत अच्छी तो नहीं थी लेकिन अच्छी थी, उनसे बेहतर थी, और हमारे मुल्क के अंदर एक इंडस्ट्रियल बेस था, एग्रीकल्चर बेस था हमारा, तो लोग खुशहाल थे और लोगों में काम करने का एक बहुत जोश और जज्बा था। तो वहाँ पे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन मुल्क, जो मुल्क जहाँ हम इंजन एक्सपोर्ट करते थे, वो आज हमसे कहीं आगे, वो शायद हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं और हम देखते देखते बहुत पीछे रह गए। और ये ऐसे हुआ जैसे 2017 में हमारी हुकूमत कितनी अच्छी चल रही थी, लोग भी खुश थे, मजदूर खुश था, किसान खुश था, और महंगाई नहीं थी मुल्क में, और बिजली सस्ती थी, लोड शेडिंग का खात्मा किया था, दहशतगर्दी का खात्मा किया था, उससे पहले मुल्क एटमी कुव्वत बना था, पाकिस्तान तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था, सी पैक बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा था, और मुल्क में मोटरवेज बन रही थी, और बिजली गैस की कोई कमी नहीं थी। जब हम आए थे तो 18-18 घंटे की लोड शेडिंग थी, 2017 में हमने सारी लोड शेडिंग को ज़ीरो पर ले आए और पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर खुशहाली की डगर पे डाला। और फिर लोग ये बहुत जो मुखालफीन थे वो हसद करते थे कि ये शायद अब फिर दोबारा आ रहे हैं, 2018 में इलेक्शन होगा तो मुस्लिम लीग स्वीप करेगी। और आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा ये ख्याल है कि आप लोग भी ये जानते थे कि पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन होंगे तो PMLN इलेक्शन जीतेगी। तो वो सारा कुछ अपसाइड डाउन हो गया, क्यों क्यों हुआ ये जरा कई दफ़ा ये सवाल मैं बार बार पूछता हूँ, मुझे भी कोई ख्याल आता है कि मैं बार बार क्यों पूछता हूँ, लेकिन पूछना पड़ता है क्योंकि जवाब आगे से आता कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कौम जानना चाहती है कि ऐसा हुआ क्यों, और इस पाकिस्तान का ये हशर बरपा हो गया, लोग महंगाई में अपनी सारी कमाई
जो है वो खो चुके, बिजली का बिल नहीं दिया जाता, सब्जियां दाल खरीदने से भी मजबूर हो गए। तो ये आलम तो हमने कभी पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखा जो अब देखा है। अभी 75 सालों में तो हमें बहुत आगे निकल जाना चाहिए था। हर खानदान खुशहाल होता है तो हर फर्द खुशहाल होता है, और एक खुशहाल पाकिस्तान बहुत ही ज़रूरी है। तो एक अच्छा मुल्क फलता फूलता मुआशरा हो, तरक्की करता हुआ मुआशरा हो और खुशहाली की तरफ चलता हुआ मुआशरा हो तो सब लोग खुश होते हैं। क्या अमीर तो क्या गरीब, क्या मुतवसत, सब लोगों के लिए बहुत ही वो इत्मीनान का बायस होता है। तो हमें माशाल्लाह हम इकट्ठे बैठे हैं, तो आपने जो अपनी दरख्वास्त दी है, एप्लीकेशन दी है, तो उस एप्लीकेशन में आप को भी अपने ज़ाती हैसियत से ऊपर होके मुल्क मिलत के बारे में सोचना चाहिए। ज़ाती इज़्ज़त तो मिलती है इलेक्ट होने के बाद, और असेंबलियों के मेंबर बनते हैं, कोई वज़ीर बनता है, कोई मुशीर बनता है, कोई मेंबर पार्लियामेंट बनता है, कोई सूबाई असम्बली का मेंबर बनता है, तो बहुत अपना एक वो खुशी की बात होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे ज़्यादा हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला ने हमें मुंतखब किया है अपनी कौम की खिदमत के लिए, और ज़ाती देखभाल के लिए नहीं, ज़ाती अपना तरक्की के लिए नहीं। ज़ाती तरक्की इज़्ज़त वो अल्लाह ताला साथ साथ अता फरमाता है, लेकिन आपका मतमा नज़र जो है पाकिस्तान की खुशहाली, कौम की खुशहाली और अवाम को इस हालत से बाहर निकालने की जद्दोजहद होनी चाहिए। इस वक्त वो महंगाई में फंसे हुए हैं, बिजली का कीमत इतनी महंगी है, सब्जियां, दालें, गोश्त, आटा, चीनी कितना महंगी है, और लोगों ने बच्चे पढ़ाने भी होते हैं, बच्चों को पालना भी होता है, उनकी ज़रूरतें भी पूरी करनी होती हैं, और बहुत सारे लोगों ने घरों के किराए भी देने होते हैं, और उसके बाद उनके पास तो बिजली के बिल के लिए पैसे नहीं बचते। आजकल की महंगाई के दौर में मुझे कोई बताए कि 40-50 हज़ार रुपया कमाने वाला ख़ानदान जो है, जो कि एक औसत एक शायद आमदनी हो, लेकिन इससे भी कम है, इससे भी कम है, वो कैसे गुजर औकात करते होंगे। बहुत सोचने वाली बात है, और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पे, अगर आप जीतते हैं इलेक्शन तो कंधे पे आप ही के आएगी कि कैसे आप इस मुल्क को इन मसाइल से बाहर निकालते हैं। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि उसके लिए कमर आप अभी से बांधें और अपने अल्लाह ताला से रजू करें कि अल्लाह ताला हमें तू कामयाबी से हम कनार फरमा, और फिर अल्लाह ताला हम तेरी इस दी हुई नेमत को और इज्जत को अपने मुल्क के वकार को बुलंद करने के लिए इस्तेमाल करें। ये आप सबका एक अपने तई अहद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये अहद होगा तो अल्लाह ताला की रजा शामिल होगी, इलेक्शन लड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि LWMC कंपनी के सफाई वर्कर्स की किस्मत जाग उठी। पहली बार हज पॉलिसी के तहत 3 वर्कर्स हज का फरीजा सर अंजाम देंगे। CEO बाबर साहब दीन ने कंप्यूटराइज कुरानदाजी के जरिए 3 खुश नसीबों के नामों का ऐलान कर दिया। वर्कर्स साइट से सुपरवाइजर अरमान, वर्कर लुकमान यूनस खुश किस्मत उम्मीदवार करार। हेड ऑफिस स्टाफ से कोरा डेप्टी मैनेजर जफर मसूद के नाम निकला। आपको बता रहे हैं कि LWMC कंपनी के सफाई वर्कर्स की किस्मत जाग उठी है। पहली बार हज पॉलिसी के तहत 3 वर्कर्स हज का फरीजा सर अंजाम देंगे। CEO बाबर साहब दीन ने कंप्यूटराइज कुरानदाजी के जरिए 3 खुश नसीबों के नामों का ऐलान कर दिया। वर्कर्स साइट से सुपरवाइज़र अरमान, वर्कर लुकमान यूनस खुश किस्मत उम्मीदवार करार। हेड ऑफिस स्टाफ से कुरानदाजी में डिप्टी मैनेजर जफर मसूद मुंतखब हुए हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, LWMC में इस वक्त हिस्ट्री में तारीखी जो है वो पहली दफ़ा ये हुआ है कि सफाई वर्कर्स की
किस वक्त जाग उठी है। पहली बार हज पॉलिसी के तहत 3 वर्कर्स हज का अफरीजा अदा करेंगे। CULWMC बाबर साहब दीन ने वर्कर्स दौर पॉलिसी पर अमल दरामद का सिलसिला जारी कर दिया है। CULWMC बाबर साहब दीन ने कंप्यूटर पूरा अंदाजी के जरिए 3 खुश नसीबों के नामों का ऐलान कर दिया। वर्कर्स साइड से सुपरवाइजर अरमान, वर्कर्स लुकमान यूनस खुश किस्मत उम्मीदवार करार पाए। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मुतबादल उम्मीदवार ड्राइवर वसीम अहमद, रिजवान आबिद अली होंगे। इस वाले से हेड ऑफिस स्टाफ से कुरा अंदाजी में डिप्टी मैनेजर जफर मसूद का नाम निकला है। हेड ऑफिस स्टाफ से मुतबादल उम्मीदवार के तौर पर कुरा अंदाजी सीनियर मैनेजर वर्कशॉप आरफ खलील का भी नाम जो है उसको भी जो है इस वक्त शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ LWMC की चिल्ड्रन वर्कशॉप में ये तकरीब का इनकार किया गया है। डिप्टी CEO मोहम्मद औरंगजेब समेत तमाम हेड ऑफिस डिपार्टमेंट ने शिरकत की है। GMHR एडमन मोहम्मद जुल्कुलैन की जानी से हज पूरा अंदाजी तकरीब का इनकार किया करवाया गया। LWMC की तमाम यूनियन के नुमाइंदान ने तकरीब में शिरकत की। हज ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मुख्तलिफ थानों का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। थानों के कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडेशन के अमूर मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत की गई हैं। IG पंजाब का कहना था कि तामीराती कामों के दौरान क्वालिटी पर हरगिज़ कोई समझौता ना किया जाए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मुख्तलिफ थानों का दौरा है, तामीराती कामों का जायजा भी लिया है और थानों के कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडेशन के अमूर मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत की गई है IG पंजाब की जानिब से। और IG पंजाब का कहना था कि तामीराती कामों के दौरान क्वालिटी पर हरगिज़ कोई समझौता ना किया जाए। तो खबर यह है कि तामीराती कामों का जायजा दिया गया है IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का, और उनका मुख्तलिफ थानों का दौरा है, थानों की कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडेशन के अमूर मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत की गई है उनकी जानिब से। और IG पंजाब का कहना था कि तामीराती कामों के क्वालिटी पर हरगिज़ कोई समझौता ना किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।